है ना, जिसमें गाय अगर हम बोलेंगे तो गाय पूरी जाति हो गई। इसमें ऐसा नहीं है काली गाय तब किसी खास गाय की हो। और जाति वाचक अगर बोलते हैं तो पूरे जाति भर का। अब दूसरा नंबर में है व्यक्तिवाचक, क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन, क्या बोलेंगे प्रॉपर नाउन। इसका परिभाषा जो है, परिभाषा सुनिए कि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष का अर्थ होता है खास व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध कराने वाली, बोध कराने वाली, बोध कराने वाली मतलब ज्ञान कराने वाली, जिससे हमको किसी खास वस्तु स्थान या व्यक्ति का ज्ञान है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात इस संज्ञा में, इस संज्ञा में किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष का बोध, विशेष यहाँ ध्यान देना, विशेष ध्यान क्या देना है कि किसी विशेष व्यक्ति पर फोकस की गई है। ऐसा नहीं ये करीना है तो विशेष हुआ, लड़की है तो विशेष हुआ, लड़की में कोई भी लड़की आ जाएगी है ना, उसमें गीता सीता ऐसा कोई आएगी क्या, है ना। वो विशेष, विशेष किसी का नाम अगर बोला जाए कि इनका नाम दिव्या, ये दिव्या है, दिव्या ही कह रहा हूँ, तो ये खास किसी को बुला रहे हैं ऐसा नहीं। मैंने लड़की सब इधर आ जाओ तो सब लड़की आ जाएगी, कोई रुकेगी नहीं है ना। तो विशेष कहाँ रहे, किसी का नाम बोला जाए कि साक्षी सीतन इधर आओ तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, समझ गए ना। ये किसी को विशेष करते हैं कि विशेष खास, इसको खास नहीं कर सकते हैं, ठीक है, का बोलो। जैसे उदाहरण में कुछ देखिए, किसी